की अगले थोड़ी महंगी है, क्या बात है। देखो तो हम लोग जो है योमू सुपरमार्केट आ गए हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट जापान आता है तो उसकी कितनी क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग रहती है, एवरेज उसको मंथली कितना क्या लगता है यहाँ पर रहने करने का, नॉट जस्ट अबाउट द फूड क्योंकि ये जैसे सुपरमार्केट है। तो अभी हम लोग सुपरमार्केट में सारा एक्सप्लोर करेंगे, तो ना केवल वो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये सारी चीजें भी एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बनाओ कि जब कोई इंडियन स्टूडेंट आता है जापान तो उसका कितना क्या खर्चा होता है। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट। तो दिस वीडियो विल हेल्प ऑल ऑफ दोस पीपल जो कि जापान आने का सोच रहे हैं या फिर बहुत जल्द जापान आने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल अंडरस्टैंड कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का कितना क्या खर्चा होता है मंथली बेसिस पे, कैसे अपने मनी को हैंडल कर सकते हो, कैसे यहाँ पर मनी सेव कर सकते हो। अराउंड 500 ग्राम चिकन जो होता है वो 417 येन का होता है। ये एग्स है तो 234 येन का है। ये ब्रोकली देखो कितनी महंगी होती है, ब्रोकली और टमाटर 450 430 येन के, ये 3-4 टमाटर और आलू आलू है 322 yen। शिमला मिर्च ले सकते हैं, थोड़ी महंगी है 258 yen। गाजर मेरे को बहुत पसंद है 139 yen। अब और क्या लेना था मेरे को, ओट्स लेने हैं कि चावल बहुत महंगे होते हैं, वो दो हज़ार के चावल, ये 2000 का पैकेट है 5 किलो। तो ये ओट्स हैं, ओट्स भी महंगे ही हैं थोड़े से 267 yen। ये 500 ग्राम, ये देखो 14 ग्राम है इसमें, सबसे बढ़िया यही है तो मैं यही वाला आउटफ्लेक्स लेता हूँ। देखो ये 300 की चीज़ स्लाइसेस हैं 15, और ये देखो 1 किलो का पूरा चीज़ का पैकेट है, ये 1000 का है, और ये 518 का 400 ग्राम चीज़ भी बहुत महंगा है भाई यहाँ पर। इसका वो क्या है, प्रोटीन कंटेंट 3.2 इन एवरी स्लाइस। यहाँ पर दारू बहुत सस्ती होती है, ये देखो 184 yen की एक दारू, यानी कुछ 50-60 रुपीज़ आएगा, बहुत सस्ती है। ये देखो यहाँ के मसाले हैं सारे तो ये ब्लैक पेपर आई गेस, और ये सॉल्ट, पराठा ये अपने पराठे, चपाती भी आ गई भाई, क्या बात है। कितने का यार ये 257, एक लेके देखूँ क्या, चलो ट्राई करेंगे। ऑलमंड्स हैं यहाँ के, अब ये देखो ये 300 ग्राम है ऑलमंड्स, ठीक है। वैसे तो इंडिया में भी महंगे होते हैं, बट लुक एट दिस यार 645 yen। देखो ये जैसे मिक्स नट्स है, इतना सा है भाई, कितना 270 ग्राम, और कितने का 581 yen। ये देखो 2964 का बिल बना मेरा, मेरा पूरा सामान है ये, लाइक 1.5 वीक कुछ चल जाता है, एक महीने में 4 हफ्ते और 3000, तो एक महीने का 12000 का तो अपना खाना खाने का ही हो जाता है। अब उसको राउंड ऑफ करके तुम 15000 ले लो। तो गाइस यहाँ पर एक ये नेपाली स्टोर है, यहाँ पर इंडिया के मोस्टली बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, दाल वाल आपके राजमा एंड मसाले वगैरह, इंडिया का बहुत सारा सामान मिल रहा है। कुरकुरे भी रखे हुए हैं भाई, अगरबत्ती भी मिल रही है, काजू वाजू भी मिल रहे हैं भाई, ये तो वो खट्टा मीठा भी मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे मसाले हैं, मुझे चिकन मसाला चाहिए था, सब्जी मसाला भी आता है ना, सब्जी मसाला वो ये सब्जी। अच्छा ओके थैंक्स। तो ये एक सब्जी मसाला और एक चिकन मसाला ले लिया अपन ने, ट्रिला सोया चंक्स भी मिल रही है भाई, वैसे तो मेरे पास रखे हैं घर में। तो ये देखो जो वेजिटेरियंस लोग बोलते हैं ना कि भाई ऑप्शंस नहीं है, ये देखो भाई सब है यहाँ पर, और 250 yen का तो है यार, 250 yen का ये एक। ऐसी ये रामेन शॉप्स होती हैं जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, ये लिखा है निजी यो जिकान मुजिन, कोई है ही नहीं यहाँ पर, मतलब ये रामेन ले सकते हैं, ये चूज़ करो, ये अलग अलग टाइप के रामेन हैं और कोई नहीं है स्टोर में, 24 आवर्स ओपन। तो देखो जापान में ना ऐसे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, ये सुगी याक्योकु, तो ये ब्रश वगैरह हैं 298 yen, 318 yen, मोस्टली इसी प्राइस कह रहा हूँ। ये मेरे पास रखा हुआ है 734 yen का, ये यहाँ के ऐसे पेस्ट होते हैं
ये 261 येन का है। स्कॉच ब्राइट यहाँ भी मिलता है, इंडिया में भी तो मिलता है स्कॉच ब्राइट। बर्तन चमका देता है भाई। यहाँ की इंसेंस स्टिक्स होती हैं, ये बढ़िया है 525 येन की। देखो ये कपड़ों के लिए, अब मैं आया हूँ यहाँ के कन्वीनियंस स्टोर में गाइस। ये लॉसन कन्वीनियंस स्टोर है, अंदर जाके थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। कन्वीनियंस स्टोर से लोग जो चीज़ें लेते हैं वो उसमें हो जाता है आपका मिल्क, बनाना, पोटैटो चिप्स और ओवेंटोस मिलता है। कन्वीनियंस स्टोर से आप रेगुलर शॉपिंग नहीं कर सकते। अभी मैं बहुत सारा ये सारा सामान लेके आया था, ये मैं सुपर मार्केट से लेकर आया। मोस्टली यहाँ से आप छोटी मोटी चीजें ले सकते हो, ब्रेड हो गया, चिप्स हो गया, चॉकलेट्स हो गई, ये सारी चीजें मिल जाती है यहाँ पर। पार्ट टाइम जॉब की जहाँ तक बात रही, मेरे जैसे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली ऐसे कन्वीनियंस स्टोर में काम करते हैं। चलो गाइस अंदर चलते हैं। गूगल पे एंड अमेजोन के गिफ्ट कार्ड्स मिलते हैं एंड एप्पल के गिफ्ट कार्ड, तो ये यहाँ से पेमेंट हो जाता है सारा ऑनलाइन। ये देखो, ये मैं एक महीने का जो 980 येन है, ये इसको स्कैन करेंगे बार कोड को, 980 येन पे करना है एंड मुझे एक महीने का स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। चलेगा 20,000 येन का कार्ड, लेट्स से फॉर एग्जांपल 8,000 येन का मेरे को कुछ सामान लेना है, तो ये कार्ड लिया मैंने एंड 8,000 येन मैंने पे कर दी, तो इस कार्ड में 8,000 का बैलेंस आ जाएगा। और ये जो पीछे नंबर है ये, इसको मैं गिफ्ट कार्ड को डालूंगा ऑनलाइन तो पे हो जाता है। ऐसा मांगाज मिल रही हैं। ओ भाई, डोरेमोन की मांगा मिल रही है। अरे ये वाला एपिसोड मैंने देखा है, पोकारी स्वेट। ये मोस्टली एथलीट्स यूज़ करते हैं आई थिंक। थोड़ी सी महंगी है, 172 येन। चॉकलेट एंड बंस एंड ब्रेड, सारी मीठी मीठी चीज़ें। वो ये हॉट है, हॉट कॉफ़ी ठंड के टाइम पे पियो, बढ़िया। देखो दूध के मैं तुम लोगों को दाम बताता हूँ। होल मिल्क 204 येन, और ये लो फैट मिल्क जो मैं पीता हूँ 1000 ml, सबसे सस्ता है ये। और मिल्क प्रोटीन 199 का मिल्क प्रोटीन सावास का। यहाँ के ओबेंटोज हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि रेडीमेड खाना होता है। ये देखो रामेन विद चिकन एंड सी फूड फ्लेवर सूप 538 येन का होगा। ऑमलेट राइस, ओम राइस बोलते हैं। ये गिरी हो गई, ये सस्ता है 311 येन। ये देखो ये क्लासिक ओबेंटो है जिसमें आपकी ओनीगिरी है, आपके कुछ फ्राइड चिकन है 549 येन। कप रामेन टाइप मिलते हैं, ये ले जाओ एंड घर जाके गर्म पानी डाल दो तो बन जाता है। कैंडीज़ हो गई यहाँ की, आलमंड की चॉकलेट, ये टेस्टी लगती है मुझे। तो कैंडीज़ होती हैं इनका दाम भाई 120 येन, रेड बुल 214 येन। ये देखो ये छोटी छोटी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं ऐसी, 226 येन की है। स्पेशल जेली ड्रिंक जो कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती है। ये विटामिन 12 की हो गई, ये मिनरल की हो गई, ये प्रोटीन की हो गई 5 ग्राम प्रोटीन, ये विटामिन 12। हम लोगों को 3 साल तक हेल्थ इंश्योरेंस का पे करना पड़ता है, ये हेल्थ इंश्योरेंस का पेपर है। तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि जैसे मान लो कभी आपका यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आपको किसी तरीके से कोई चोट वोट लग जाती है, तो जापान के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ के बिल्स बहुत ही रिडिकुलस होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसीलिए वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हर मंथ हम लोगों को अराउंड 2000-3000 येन, यानी कुछ आपके 1500 या फिर 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं, ताकि जस्ट इन केस कभी कोई ऐसी आपदा पड़ जाती है कि आप बीमार हो गए या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको चोट वोट लग गई, तो जब आप हॉस्पिटल जाओ तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाए। तो चलो ये हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं। ये वैसे तो हर महीने के आखिरी तारीख को पे करता हूँ मैं, आज थोड़ा लेट हो गया। $198, 214 येन के 3 बनानास, ये बड़े बड़े। ये प्याज हैं यहाँ के 178 येन के 2 प्याज। ओनीगिरी सबने देखा होगा ये एनीमे में, 151 येन का एक बड़ा सा ओनीगिरी। योगर्ट है 12 ग्राम प्रोटीन वाला योगर्ट 175 येन का। ऑरेंज जूस 218 येन। ब्रेड के प्राइस देखो 110 येन। ये है असली ख़तरनाक चीज़, ये एक सेब 198 येन, 200 येन कह रहा हूँ। सामान रीलोड हो गया पूरा। वैसे तो मेरा फ्रिज बहुत छोटा है, बट ये देखो ये 2 ब्रेड के बड़े बड़े पैकेट, अंडे के 2 पैकेट, बनाना, चीज़ स्लाइसेस, चिकन, ये सब्जियाँ, शिमला मिर्च, कैबेज, आलू, गाजर। तो ये जितना भी पूरा सामान आपको दिख रहा है ना फ्रिज में, एक हफ्ते से ज़्यादा चलता ही नहीं। तो हमारे स्कूल में जो वॉशिंग मशीन लगी हुई है इसमें 200 येन लगते हैं कपड़े धोने के लिए। 4.5 kg, ये लेकर 4.5 kg तक कपड़े धो सकते हैं। वॉशिंग पाउडर होता है 200 येन,
तो अब जरा हेयर कट के प्राइसेस की बात करते हैं। दिस हेयर कट वॉज 1650 yen। जापान में तो और भी महंगे सैलून्स होते हैं जहाँ पर 4000 yen से तो स्टार्ट ही होते हैं प्राइसेस। अभी मेरे को कॉफ़ी चाहिए, ये वेंडिंग मशीन के पास खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी प्री वर्कआउट लेने वाला हूँ, लाइक मेरे को एक कॉफ़ी चाहिए। तो ये वेंडिंग मशीन से ऐसे कॉफ़ी ले सकते हैं यहाँ से, और ये 130 की कॉफ़ी है। हाँ, तो अब बाकी और एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है मेरे रूम का रेंट। पर मंथ हम लोगों की बेडशीट चेंज होती है, तो उसका भी प्राइस रहता है कुछ 1000, एंड वाईफाई का रहता है 2000 yen, और इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी पर मंथ हम यूज करते हैं एसी वगैरह लाइट एंड ऑल, तो 30870 yen का मेरा बिल आया था लास्ट मंथ, जिसमें 26000 इज द रेंट, 3170 इज द फीस फॉर लीज, क्लीनिंग ऑफ बेड, क्लोथ्स एंड वाईफाई यूटिलिटी ऑफ फेब्रुअरी, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज 1700। एक और एक्सपेंस पे जो कि होता है हमारा सिम कार्ड, ये फोन का एक्सपेंस। राकुटेन करके एक सिम कार्ड है, तो पर मंथ मेरा अराउंड 4000 to 5000 yen आता है। इसमें मैसेजिंग रहती है, इंटरनेट रहता है, एंड कॉलिंग रहती है। सुपर मार्केट जहाँ अपन गए थे उसका बिल है 2964 yen, अप्रोक्सीमेटेड 2000 to 3000 yen। 3000 yen अगर एक हफ्ते का, तो एक महीने का आप 4 into 3 कर लो, 12000, राउंड ऑफ करके उसको 15000 ले लो, मोर देन एनफ फॉर यू टू सर्वाइव वन मंथ, जब आप अगर आप खुद का खाना बनाते हो तो उस केस में। तो जापान के जो जिम रहते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं, कुछ ना कुछ कैंपेन चलते रहते हैं हर मंथ। स्टार्टिंग के 2 months वो एकदम 0 yen दे देंगे, 0 yen में आप आ सकते हो, फिर तीसरे महीने से आपका पैसा लगेगा। तो अभी जैसे मैं जिस जिम में हूँ फिटबेस 24 कैंपेन से एंटर किया था मैंने, जिसमें स्टार्टिंग का 2 months मुझे सिर्फ 2000 yen पे करना था, एंड फिर थर्ड मंथ से मुझे पे करना था, मंथली 5600 कुछ है। तो अब करते हैं बात बाहर के खाने की, गायशोकु की, जहाँ मैं रहता हूँ ओसाका, इट्स कॉल्ड द नेशंस किचन। तो बहुत कुछ है यहाँ पर खाने के लिए। मैं टिपिकल रेस्टोरेंट की बात करूँ, एक टाइम का जो रहता है खाना, एक वेरीज फ्रॉम 1500 yen to 3000 yen। जैसे आज ही मैं इंडियन रेस्टोरेंट गया था, तो वहां पर मेरा कुछ 1600 का बिल बना था। फिगर्स की बात करें तो ये सारे, खैर ये कॉस्ट ऑफ लिविंग में आते नहीं है, तो इस टाइप के जो डिटेल फिगर्स होते हैं एक्शन पोजेस, फ्रॉम 1000 yen to 3000 yen। अब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का आपको ऊपर से मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, इट्स अराउंड 4 to 5000 yen। ये मिक्सर इसलिए दिखा रहा हूँ, मॉर्निंग में शेक बनाता हूँ क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाना रहता, तो इतना टाइम नहीं रहता कि आप कुछ ब्रेकफास्ट बना के खाओ, तुरंत शेक बनाओ, 6000 yen। ये एक बॉयलर है 2000-3000 yen का, ये जापान की प्रेस है, स्टीम आयरन है, ये 3000 to 5000 yen के बीच की है। ये दिस इज 5 kg ऑफ राइस, तो ये मैं ग्योमू सुपर से ही लेके आया था, तो 15000 yen से प्राइस चालू होते हैं, एंड 3000 yen तक के भी राइस होते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। फिश ऑयल लेता हूँ ओमेगा 3, स्पोर्ट्स रिकवरी का जिंक एंड मैग्नीशियम, मल्टीविटामिन भी लेता हूँ। तो ये तीनों चीजें जो हैं, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, एक वेबसाइट है आई हर्ब करके, वहां से ऑर्डर कर सकते हो या फिर अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। 1000 to 3000 yen के बीच में थी ये चीज, 3000-4000 yen का था ये, 1000-2000 yen के बीच का। ये डाइसो से लेके आया था मैं, दिस इज रूम फ्रेग्रेंस, ये 100 yen का था, इज अ थ्रोट मेडिसिन। मेरे पास कोई भी इंडियन दवा मैं घर से लेके नहीं आया था, वाज अ वेरी एक्सपेंसिव टैबलेट, 1000 yen की थी। मेडिकल का यहाँ पर बहुत महंगा रहता है, इट वुड बी अ बेटर चॉइस कि आप तो घर से ये सारी चीजें लेकर आना, दवाई हो गई, विक्स का पैकेट हो गया, या फिर टैबलेट्स हो गई, पेन किलर्स हो गए, इमरजेंसी बॉक्स बना के आप ला सकते हो इंडिया। यहाँ के पार्ट टाइम जॉब्स जो रहते हैं, बहुत सारे टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। मोस्ट कॉमन जॉब्स जो होती है यहाँ पर, वो होती है कॉम्बिनी में या रेस्टोरेंट्स में या फिर कैफेज में। तो एवरेज यहाँ पर जो आवरली वेजेस होते हैं वो 1100 से लेके 1600 yen तक के होते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीजा पर यहाँ पर जापान आते हो, तो आपका रेजिडेंस कार्ड बनेगा, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 28 hours अलाउड होगा जॉब करने के लिए पर वीक। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा कॉम्बिनी में काम करता है, और उसकी पर आवर वेजेस जो है वो 1200 yen होती है, तो एक दिन में वो 6 घंटे काम करता है, तो एक दिन में 7200, एक हफ्ते में 4 दिन काम करते हो, यानी 28800, एक महीने में आपका 1,15,200 yen। एक दिन में आप 6 घंटे काम करते हो, तो एक हफ्ते में आपका 24 hours हो गया, तो इट इज अंडर 28 hours। पार्ट टाइम जॉब अगर आप हफ्ते में 4 दिन करते हो, तो आप इतना अराउंड इतना कमा सकते हो। तो एक एवरेज अगर मैं बताऊं, 60,000 से 1,00,000 के बीच में यू कैन अर्न थ्रू पार्ट टाइम जॉब। डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हो, हफ्ते भर में 4 दिन वो भी 6-6 घंटे काम करना बहुत मुश्किल रहता है। तो जैसे मेरे यहाँ पर जो फ्रेंड्स हैं, वो इतना काम नहीं करते हैं, वो 4 घंटे या 5 घंटे ऐसे काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो जैपनीज लैंग्वेज स्कूल होते हैं, 1 साल के जो कोर्स वाले होते हैं, तो अगर मैं सिर्फ स्कूल फीस की बात करूँ, तो इट गोज अप टू 4 to 5 lakh rupees। अब अगर मैं उसके अलावा यहाँ पर सेनमोंग गक्को की बात करूँ, यानी स्पेशलाइज ट्रेनिंग कॉलेजेस जो रहते हैं 2 years के, तो जो मेरा कॉलेज है मैं उसका बताता हूँ, जो 2 साल की फीस है अराउंड 7 to 8 lakh rupees, और ये सिर्फ मेरी स्कूल फीस है। तो मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं क्या क्या चीजें मैं बता सकता हूँ। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, सो दिस इज माई मेट्रो कार्ड, ये इकोका करके एक यहाँ पर कार्ड होता है। तो जैसे अगर यहाँ से मुझे 5 किलोमीटर रेडियस में कहीं जाना हो, अराउंड 6 किलोमीटर, तो अगर मैं मेट्रो से जाता हूँ, इट विल टेक मी अराउंड 30 मिनट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल जो है वो 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर है, ये एक बताया जनरल आइडिया। एक साइड का आपको 240 yen लगता है, सो लेट्स राउंड इट अप टू 250 yen, यानी दो साइड का 500 yen।
तो डेली आपको 500 येन लगेगा। हफ्ते में 6 दिन कॉलेज जाते हो, यानी एक हफ्ते का आपका 3000 येन, यानी एक महीने का आपका 12000 येन रिचार्ज हो जाता है। एंड हर स्टेशन पे ऐसे एक मशीन लगी रहती है जहां पर आप पैसे डालकर इस कार्ड को रिचार्ज कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी ट्रांसपोर्ट की बात। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर फन के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। अगर मैं मूवीज की बात करूं तो यहाँ पर जो मूवीज का प्राइस रहता है वो आपकी एज पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट के लिए 1000 से 1500 येन तक की टिकट्स रहती है। अगर कोई अडल्ट है ओतोना, तो उनके लिए थोड़ी सी महंगी रहती है, 2000 से लेके 2500 येन के बीच में। इसके अलावा आप यहाँ पर ओनसेन में जा सकते हो। हर दो हफ्ते में ओनसेन जाता ही जाता हूँ। प्राइस रहता है कुछ 900 से लेके 1500 येन तक। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं गाइस। आज मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जब वो यहाँ पर आता है जापान में।